दोस्तों जो आप ये टीवी देख रहे हो तोशिबा की U50 का 43 इंच का 4K वेरिएंट है और इस टीवी को मैं लगभग 3 महीने से यूज कर रहा हूं और आज के वीडियो में मैं दूंगा अपना 90 डे रिव्यू। तो जो लोग वेट कर रहे थे एक लॉन्ग टर्म रिव्यू का, आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आगे पढ़ने के पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, डंडा शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बात करें इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी के मामले में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की बहुत ही बढ़िया लगी। इनफैक्ट जो कलर है और कलर का रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो डार्क सीन्स होते हैं उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इस साल के पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर्स थे या फिर इस साल के जो पॉपुलर वेब सीरीज थी जैसे मिर्जापुर 2, स्कैम 1992 और साथ ही साथ आश्रम 2, सभी मैंने इस टीवी पे एंजॉय किया और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में मैं कहना चाहूंगा हैंड्स डाउन टीवी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट लगा मुझे इस टीवी का, जो है इस टीवी का व्यू एंगल्स। हालांकि मेरा ये जो रूम है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तकरीबन 10x12 का होगा, तो इसमें मुझे व्यू एंगल्स का प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं टीवी एकदम सामने से देख रहा था। तो उस समय मुझे साइड से बैठने का मुझे ऑप्शन ही नहीं था, मुझे सामने ही बैठ के देखना पड़ा। और सामने से जब मैं देख रहा था तो उस टाइम मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन अगर आप ये टीवी लेने का प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि भाई अगर साइड में के देखेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो यहां पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप साइड में बैठ के देखोगे तो एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। और जब हम बात करें पिक्चर क्वालिटी के बारे में तो यहां पे ये टीवी सपोर्ट करती है डॉल्बी विजन को, तो यहां पे आपको HDR कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो यहां पे ओवरऑल एक्सपीरियंस पिक्चर क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ ही साथ यहां पे इस टीवी मैंने बहुत सारी टेस्टिंग की है, जैसे इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग इश्यूज है या नहीं वो भी मैंने टेस्ट किया है, साथ ही साथ स्क्रीन मिररिंग, इसी के साथ ही साथ पेन ड्राइव लगाने का कौन कौन से फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, सब कुछ कवर किया है मैंने इस वीडियो में। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, काफी हेल्प मिल जाएगी अगर आप ये टीवी लेने का प्लान कर रहे हो। और बात कर ली इस टीवी के ऑडियो आउटपुट और साउंड क्वालिटी के बारे में, तो मेरा एक्सपीरियंस काफी डिसेंट रहा, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा ज्यादा बुरा भी नहीं रहा, क्योंकि इस टीवी में आती है 24 वॉट की साउंड आउटपुट और ये टीवी सपोर्ट करती है डॉल्बी एटमॉस को। तो यहां पे अगर आप एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हो, थोड़ा एकदम धमाके ढिंचैक मजा चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक साउंड बार या होम थिएटर रिकमेंडेड है, और कौन सा लेना चाहिए उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और बात कर ले यहां पे कुछ वॉइस असिस्टेंट फीचर के बारे में, तो यहां पे ये टीवी आती है बिल्ट इन एलेक्सा के साथ। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा एलेक्सा को लेके, क्योंकि यहां पे जो एलेक्सा का इंटीग्रेशन है वो सिर्फ ऐप को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, टीवी को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ना कि आपके ऐप को ओपन करने, ऐप ओपन होने के बाद इनसाइड द कोई वीडियो ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एलेक्सा ओपन यूट्यूब हैप्पी गाइड चैनल तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगा एलेक्सा ओपन यूट्यूब तो परफेक्टली चलेगा, एलेक्सा ओपन नेटफ्लिक्स तो चलेगा, लेकिन एलेक्सा ओपन नेटफ्लिक्स कोई सीरीज का नाम ले लूंगा तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं, ये इंटीग्रेशन इसी ढंग से किया गया है, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। मुझे पर्सनली अगर मेरा आप रिकमेंडेशन लोगे तो मुझे गूगल असिस्टेंट ज़्यादा पसंद आया, और अगर आप मेरे फॉलोअर हो तो आपको पता होगा इसी वॉल पे मैंने वीयू प्रीमियम की 60 डे का रिव्यू किया था और वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था, वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अब यहाँ पे बात करें इस टीवी के कुछ मेजर और सीरियस कॉन्स के बारे में जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला कॉन होगा इस टीवी का कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी इशू जो है बहुत ही दर्दनाक मिलने वाली है, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बेकार रहा कनेक्टिविटी के मामले में। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या था, कि यहाँ पे जो वाईफाई बिल्ट इन वाईफाई तो इस टीवी में था, लेकिन जो वाईफाई है सिंगल बैंड वाईफाई है, और अगर आपका जो रूम है उस रूम में अगर वाईफाई सेटअप नहीं किया हुआ है दूसरे रूम में, तो यहाँ पे रेंज आता ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे। तो मैंने क्या किया कि मैंने वाईफाई का जो सेटअप है अपने रूम में करा, उसके बाद मैं ये टीवी को इस्तेमाल कर रहा था। तो अगर आप में से ऐसे यूज़र हो जो आप भाई इस रूम में टीवी और वाईफाई दूसरे रूम में, तो आपको सीरियस कनेक्टिविटी इशू मिलेगा। इनफैक्ट मैं कभी
कोई तो यूट्यूब वगैरह ओपन होता ही नहीं था कनेक्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इसमें इस टीवी में मुझे लगा। दूसरा कौन होगा इस टीवी का, कि यहाँ पर इस टीवी में आपको लिमिटेड एप्स देखने मिलते हैं। लिमिटेड एप्स का मतलब है कि कंपनी बोल रही है कि भाई जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में आपको एप्स आ जाएंगे, जैसे हॉटस्टार और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एप्स आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन एज इफ नाउ इस टीवी में आपको बहुत ही लिमिटेड एप्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स के मामले में टू मेजर कॉन लगे, एक तो सीरियस कनेक्टिविटी इशू और सेकेंड लिमिटेड एप्स। तो इस चीज को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक एंड्रॉइड बॉक्स ले लीजिए, जैसे या फिर मी टीवी बॉक्स ले लीजिए या फिर अमेजॉन फायर स्टिक लीजिए, उस टीवी इस टीवी में लगाइए और फुल एंजॉय कीजिए। बिना उसके इसका जो एक्सपीरियंस है बेकार हो जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा इस चीज का आप ध्यान रखिए, अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपको एक अमेजॉन एक फायर स्टिक या फिर एंड्रॉइड बॉक्स की जरूरत है। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लीजिए। टीवी की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ ही साथ आपका कुछ सवाल सुझाव कोई भी राय हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हैप्पी गाइड फैमिली में जुड़ जाइए। और जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो भाई क्या करो, जल्दी से जाके वहां पे भी फॉलो करो, क्योंकि काफी कुछ अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।